जागतिक आर्थिक परिषद के लिए 16 से 20 जनवरी 2023 के दौरान दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। इस परिषद के लिए स्विट्जरलैंड के मुख्यमंत्री की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया था। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री समेत 12 सदस्यों का इसमें समावेश था। इस दौरे के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। इसी को लेकर आज कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोढ़े द्वारा पत्र परिषद का आयोजन कर पत्रकारों से संवाद साधा गया। इस दौरान अतुल लोढ़े ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है कि मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि मैं ऑटो वाला हूं, आम आदमी को समझता हूं, वास्तविकता में ये चार्टर प्लेन वाले हैं। इन्हें चार्टर चाहिए, सर्विस प्लेन से भी इनका काम नहीं चलता, ऑटो तो बहुत दूर की बात है। वास्तविकता में जिस दावोस परिषद का खर्चा 62,28,000 से शुरू होता है, वो 2023 में जाकर 32,30,00,000 से भी ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह है इस सरकार का लोगों के टैक्स के पैसे के ऊपर अय्याश ऐशकर, ये स्पष्ट रूप से सामने आता है। हम सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस पैविलियन के लिए पहले 10 करोड़ का खर्चा बताया गया था, वो 16 करोड़ का कैसे हुआ? प्रधानमंत्री का दौरा अचानक से तय हो जाता है तो अकेले मुख्यमंत्री क्यों नहीं आते, या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उससे कोई पीछे क्यों नहीं रह जाता? तो चार्टर प्लेन एक बहाना है, लेकिन 1,60,00,000 के ऊपर उसके ऊपर खर्चा किया, गिफ्ट के ऊपर अलग पैसा खर्चा किया है 12,00,000 से ज़्यादा, और मिसलेनियस खर्चा इनका 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये सरकार को आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। जब महाराष्ट्र में बिना दवा के, बिना डॉक्टर के, बिना स्टाफ के लोग मर रहे हैं, और इसकी शुरुआत थाने से होती है, मुख्यमंत्री के खुद के ज़िले से, नांदेड़ में यही होता है, यही संभाजीनगर में होता है, और यही नागपुर में भी होता है, तो लोगों को तरफ ध्यान देने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए इनके पास कुछ पैसा नहीं है। अपनी ऐश करने के लिए इनके पास बहुत पैसा है। लोगों के टैक्स का पैसा कैसे खर्चा करना, कैसे उड़ाना, ये स्पष्ट रूप से जो दिखता है। सारे कागजात जो है मैंने यहाँ पर दिए हैं। ये सरकार आम आदमी की सरकार नहीं। इस सरकार को किसानों के, महिलाओं के, नवजात शिशुओं के, जिन्होंने दुनिया भी देखी नहीं, आम आदमी के समस्याओं से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं है। और ऐसी सरकार जिसका मुखिया, जब राज्य में लोग मर रहे हैं हर अस्पताल में, तब वो दिल्ली में किसको दिन भर मिल रहे थे, ये भी उन्होंने बताना चाहिए। इन्होंने जिम्मेदारी अपनी शासन के तौर पर छोड़ दी है, लोग भी अभी इनकी जिम्मेदारी छोड़ने वाले हैं।